सो ऑल थिंग्स आर सेट। अभी बज रहे हैं 3 और हमने सब कुछ तैयार कर लिया। वैसे तो ब्रेकफास्ट मैंने करा नहीं, बस चाय पी ली है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मेरे को, जो है ब्रेकफास्ट करके मैं ट्रैक नहीं कर पाता। बट -20 के करीब यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है, मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, मैं ज़रा सी देर के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा। सो अभी जल्दी से इसको बंद करता हूँ, पीक के लिए निकल रहे हैं, समिट के लिए फटाफट से, क्योंकि सनराइज़ देखना वहाँ पर ऊपर जाके। कुछ ऐसा ऐसा नज़ारा है, कोई नज़र तो आ नहीं रहा, बट ट्रेल ही ट्रेल नज़र आ रही है। ये एडवेंचर भरा ट्रैक रहा है भाई साहब, बिल्कुल स्नो वाइट है, एकदम स्नो वाइट। सो ये कुछ वाइट स्नो यहाँ पर हमारे दूसरे हिल्स से हैं, ऊपर से पूरा टोटली वाइट हो रखा है, इस टाइप टोटली वाइट एकदम। मुझे साहब आगे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहा है, पीछे की साइड से भी कोई आ रहा है उधर से, और ये सामने की साइड पीक से पे बड़ी प्यारी सी धूप पड़ रही है, बड़ा सही सा व्यू है। सो अब कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्राई करेंगे, इसके बाद स्लाइड करके जाऊंगा मैं और नीचे मिलूंगा। गजब का एक्सपीरियंस था, मैंने तो कल ही कर लिया था ये। कल कर लिया था? हाँ। कब? नीचे भी है स्लाइड। अच्छा, पर यार बम पूरे वो हो गए, सुन। सो ये था, मैं तो पूरा पंच इंटरेस्टिंग सा बस ये। बर्फ देख लो नीचे कितनी गहरी है। स्लाइड करने में मजा तो आया, अगर आपको ये ट्राई करना है तो सबसे पहले पोंचो या रेन लाइनर वगैरह आप जरूर ले लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रियल की थी और मैंने पहन के ही कराई ये चीज़, तो इस चीज़ का प्रिकॉशन जरूर लेके चलना, ये दिक्कत ना हो बाद में। बाकी तो व्यू देखो, जमी हुई है ना वैसी, इधर सूरज की रोशनी शायद ही पड़ती हो इस वजह से। सो ऊपर भी इसके हम से तो नीचे उतर ही आए, अब हम जा रहे हैं हर गांव की साइड। ये वाले हर गांव के कैंप, ये वाले हर गांव के कैंप है, और हम सीधे जाएंगे ना, हम सीधे जाएंगे, पीछे की साइड डॉक्टर साहब हैं, आगे शुभम जा रहा है और ये आदेश मेरे आगे आगे चल रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, यही सीन्स है, स्नो इतनी ज़्यादा है और मेरा ना पैर का एक ये टूट गया, तो उसकी वजह से चलने में ना दिक्कत, पहले तो सिर्फ ढंग से चल रहा था, उसके चक्कर में स्लिप हो गया, तो जैसे ही टूटा वैसे ही दूसरे में अटक के धड़ाम से दिमाग के बल गिरा, बस यही चीज़ है। Oh,